प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए नई नई रेसिपीज वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भूरी बोझ रेसिपीज। आज मैं रोस्टेड नमकीन पोहा बना के दिखाऊंगी। ये नमकीन पोहा खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई करें। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। पहले कढ़ाई में 2.5 टेबलस्पून तेल डाल के अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे मूंगफली की दाने। इसको एकदम धीमी आंच में चलाते हुए भून लेते हैं। देखिए इसमें कलर भी चेंज हो गया है और यह फ्राई भी हो चुका है। इसको प्लेट में निकल लेते हैं। अभी तेल में डालेंगे काजू। इसको भी हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। देखिए अच्छे से भून लिया है, इसको भी प्लेट में निकल लेते हैं। उसके बाद डालेंगे नारियल। नारियल को एकदम पतला पतला करके काट लिया है। इसको क्रिस्पी होने तक चलाते हुए भून लेंगे। और ध्यान रखें सारी चीज़ों को फ्राई करने के टाइम गैस का फ्लेम धीमी रखें। लास्ट में थोड़ा सा करी पत्ता डाल के फ्राई कर लेंगे। पोहे के साथ करी पत्ता बहुत ही अच्छे जाएगी और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। जो तेल बच गया है उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। उसके बाद 2 कप पोहा डाल देंगे। अभी गैस का फ्लेम हाई करके 1 मिनट तक चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। एक मिनट के बाद देखिए पोहा का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। अभी गैस का फ्लेम धीमी कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए पोहा को क्रिस्पी कर लेंगे। पोहा क्रिस्पी हुआ कि नहीं चेक करते हैं। हाथ में थोड़ा सा पोहा लेके तोड़ के देखते हैं। जब पोहा इजीली टूट जाएगा तो पोहा अच्छे से बनकर तैयार है। आप इसे स्नैक्स के टाइम चाय के साथ भी खा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हो। गैस को बंद कर देंगे। अभी इसमें एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। आप चाहे तो इसमें सेव भी डाल सकते हो। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इस तरह सा रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगी, तो आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।